हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एक पर्सलिन का बोट शेप्ड कंटेनर में है। ये देखिए, कंटेनर आपको अंदर दिखेगा, ये वाला अर्दन पॉट है और इसमें ये कितना ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है पर्सलिन और फुल ब्लूम में। और मैं इसकी आज स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको इसकी पूरी केयर बताऊंगी, स्पेशल टू केयर टिप्स बताऊंगी, जिसकी वजह से इसमें खूब सारी फ्लावरिंग होगी, फ्लावर्स के कलर भी ब्राइट होंगे और साइज भी अच्छा होगा। तो पहले मैं और तरीके दिखाती हूँ जहां पर मैंने और तरीकों से ये प्लांट लगा रखा है। ये एक हो गया, अब आगे देखते हैं। ये लगे हुए हैं वर्टिकल गार्डन में और इसमें छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और छोटे छोटे पौध लगा दी थी, काट के कटिंग्स लगा दी थी। और इसमें दूर से देखेंगे बहुत प्रिटी लगता है जब सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं। तो ये वर्टिकल गार्डन में है। और ये वाला, ये देखिए, ये है, ये मिक्स्ड में लगाया हुआ है सब कुछ। ये हैंगिंग बास्केट में कुछ इस टाइप से लग जाता है। और मैं आप दिखाती हूँ कुछ बड़े कंटेनर्स में और मैं आपको पूरी केयर भी बताऊंगी इसकी। ये देखिए, ये बड़े कंटेनर्स में है और इनमें भर के फ्लावरिंग आ रही है और प्लांट्स कितने हेल्दी और कितने बढ़िया हो गए हैं। तो इसकी केयर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं दो इम्पोर्टेंट बात बता रही थी, वो दो इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले फिनिश कर लेते हैं कि एक तो है सनलाइट। इसके लिए बेस्ट बेस्ट फर्टिलाइजर सनलाइट है। अगर आप इसको कुछ नहीं देते, नॉर्मल सॉइल में लगा देते और खाली सनलाइट में रख देते हैं, इसमें खूब फ्लावरिंग होगी। और अगर आप सब फर्टिलाइजर डाल देंगे और सनलाइट नहीं रख देंगे इसको, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती ज़्यादा अच्छी। इनफैक्ट कईयों में तो होती ही नहीं है। तो कई बार ये लोगों की वो होती है, क्वेरी होती है कि मेरे में फ्लावरिंग नहीं हो रही। फ्लावरिंग का खाली एक ही तरीका है, इसको खूब सन में रखें और नेक्स्ट चीज़ है इसमें पानी कम डालें। ये ज़्यादा मॉइस्चर लविंग प्लांट नहीं है, तो जब सॉइल टोटली ड्राई हो जाए तब पानी डालना है। और रेनी सीजन में ये इतना बढ़िया प्लांट है, ये आपका खिलना शुरू हो जाता है समर्स में और रेनी सीजन तक अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और उसके बाद आप ये प्लांट सेव कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर कटिंग काट काट के लगाते ही फिर भर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज इसकी इम्पोर्टेंट एक और है कि इसमें इन्फेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। और इन्फेस्टेशन कब होती है? जनरली मार्च अप्रैल तक शुरू हो जाती है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है स्प्रिंग के बाद, तब इसमें बहुत जल्दी मिली बग्स लगते हैं। तो मिली बग्स के लिए आप एकदम अलर्ट रहना और अगर हो जाए तो आप इसको वॉश आउट करिए। खाली और कुछ नहीं है तो खाली पानी और कुछ ड्रॉप्स या एक टीस्पून ऑफ लिक्विड सोप स्प्रे बॉटल में डाल के उसी से कर दीजिए स्प्रे। और अगर आपके पास मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी, और अगर नीम ऑयल है तो बहुत बढ़िया, कुछ ड्रॉप्स डाल के वो भी डाल सकते हैं साबुन के साथ। अगर कुछ नहीं है तो खाली साबुन के पानी से इसको खूब अच्छे से वॉश आउट करिए। और कहाँ होगा? नीचे नीचे लगा, यहाँ जैसे लीव्स है इनके नीचे लगा होगा वो मिली बग, वो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखेगा आपको, तो उसको आपको या तो टहनी यहाँ से तोड़ देंगे, और अगर टहनी ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ दीजिए और थोड़े थोड़े लगे हैं तो फिर आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं स्प्रे बॉटल से। तो ये दो चार चीज़ें हैं मिली बग्स के साथ साथ आपको कई बार चींटियाँ भी दिखेंगी। देखिए, मेरे को चींटी देख के याद आया, यहाँ पर है। तो आप चींटियों का भी इलाज करिए क्योंकि चींटियाँ स्प्रेड करती हैं मिली बग्स। चींटियों का इलाज ये है कि आप उसमें सिनेमन, जो दालचीनी का वो पानी उबाल के दालचीनी डाल के थोड़ी सी उससे स्प्रे कर दीजिए, तो सारी वो चींटियाँ भाग जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है इसमें फर्टिलाइजर। सनलाइट तो है ही है और ये बहुत फ्लावरिंग करता है। अगर आपको डालने का मन है तो आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं इसमें। महीने में 15-20 दिन में एक बार थोड़ा सा लिक्विड करके डाल सकते हैं।
मैंने अभी इसमें एक बार डाला था जो शुरू में पॉटिंग सॉइल, उसके बाद कुछ नहीं डाला है, फुल सन में रखा हुआ है, कोई ऐसा फर्टिलाइजर इसमें उसके बाद नहीं डाला है, जो पॉटिंग सॉइल में था बस वही है। और नेक्स्ट लेते हैं कि इसकी पिंचिंग करते हैं। देखिए इसमें ना ये फ्लावर्स आ चुके हैं, ये देखिए पास से इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। अब इनको आप यहाँ से निकाल देंगे ऐसे करके, फिर फ्लावरिंग और ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए कई कई बर्ड्स खिलते हैं इसमें से, एक में से देखिए एक बर्ड, एक ये फूल खिला है, एक ये बर्ड आ रहा है। जब सब कुछ हो जाएगा और इस टाइप का आ जाएगा लगेंगे, तब आप इसको तोड़ के फेंक सकते हैं, फिर फ्लावरिंग और हो जाएगी इनमें। आई होप आपको ये वीडियो पर्सलेन का खूब फ्लावरिंग कैसे लाएं और अलग अलग तरीके से कैसे लगाएं अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।